80 के दशक में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कैंप में दो नई लड़कियों की एंट्री हुई। दोनों की उम्र करीब 10-12 साल रही होगी। ये दोनों सिंगर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आई थीं। शुरुआती दौर में ही कल्याण जी आनंद जी ने इन दोनों की काबिलियत को पहचान लिया था और इन्हें तराशना शुरू कर दिया। इन दोनों में एक लड़की का नाम था साधना पुरुषोत्तम घाणेकर और दूसरी थी सोनाली वाजपेयी। पहला नशा, पहला हुमार। इस संगीतकार जोड़ी ने इन दोनों लड़कियों पर करीब एक दशक तक काम किया। कल्याण जी आनंद जी का यकीन हकीकत में बदला और साधना पुरुषोत्तम घाणेकर ने साधना सरगम बनकर सुरों की ऐसी बेदाग और बेमिसाल सरिता बहाई जिसने संगीत के दीवानों को सराबोर कर दिया। उत्तर भारत के बाद जब साधना सरगम की सुर सरिता दक्षिण भारत पहुंची तो वहां के संगीत प्रेमियों की मानो लाइफ लाइन ही बन गई। साधना सरगम के अलावा दूसरी लड़की यानी सोनाली वाजपेयी भी आगे चलकर बहुत काबिल प्लेबैक सिंगर बनी। लेकिन इस पेशकश में आज हम बात करेंगे साधना सरगम की, जिन्होंने 90 और 2000 के दशक में रोमांटिक और हिट गानों की झड़ी लगा दी। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। हिंदी फिल्म संगीत में साधना सरगम के सितारे इस कदर बुलंद हुए कि उसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ती। उनके गाने आज भी अलग सुकून और एहसास देते हैं। साल 1992 में निर्देशक राजीव राय की एक फिल्म आई विश्वात्मा, साउथ की कुछ एक फिल्मों में काम कर चुकी एक हीरोइन इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रही थी। दिव्या भारतीय नाम की बेहद बोल्ड और बिंदास इस हीरोइन को बॉलीवुड में जिस तरह की एंट्री मिली वो बहुत कम हीरोइंस को नसीब होती है। फिल्म के जिस गाने ने दिव्या भारती को रातों रात स्टार बना दिया उसके पीछे की दिलकश और रोमांटिक आवाज थी साधना सरगम की, और ये गाना था सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने के चलते ही दिव्या भारती और साधना सरगम दोनों की किस्मत का सितारा बहुत तेजी से चमका। ये अलग बात है कि दिव्या भारती अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गई, लेकिन साधना सरगम ने 10 साल के संघर्ष के बाद इस गाने के जरिए देश भर में बड़ी पहचान बनाई थी। एक वक्त साधना सरगम का गला मानो हिट गानों की फैक्ट्री बन गया था। वो जिस गाने को आवाज देती वो हिट हो जाता। सुरों के सागर में इस मेलोडी क्वीन की आवाज हैरान करने वाले अंदाज में अटखेलियां करती है। यकीनन उनकी आवाज भारतीय संगीत के सिर पर सजे मुकुट में एक चमकदार मोर पंख की तरह है जिसकी सतरंगी रोशनी से आज भी जमाना रोशन होता है। अब तक 36 भाषाओं में करीब 15,000 गानों की सौगात साधना सरगम ने दुनिया को दी है। एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने इनके नाम रहे। 4 दशक लंबा करियर और करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली एक अद्भुत आवाज। इस सिंगर ने 1500 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में लगभग 2000 से ज्यादा गाने गाए, जिनमें उनके गाए तमाम सौगात और कोहिनूर से गीत भी शामिल हैं। लेकिन विडंबना देखिए, किसी भी हिंदी गाने के लिए ना तो इन्हें कोई फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ना ही राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या रही इसकी वजह बताऊंगी आपको विस्तार से इस पेशकश के अगले हिस्से में। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। साथ ही जानेंगे कि बॉलीवुड में सिंगर के तौर पर अपने करियर के पीक पर रहते हुए वो साउथ की फिल्मों में क्यों शिफ्ट हो गईं। साथ ही बात होगी कि सिर्फ हिंदी और मराठी जानने वाली ये गायिका कैसे साउथ इंडिया की ऐसी पहली सिंगर बन गई जो साउथ इंडियन ना होते हुए वहां की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नाम और शोहरत हासिल की। इसके अलावा जानेंगे
वो वाकया जब साधना सरगम को लेकर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी और लता मंगेशकर के बीच दरार पड़ गई थी। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं साधना सरगम के शुरुआती दिनों और सिंगर बनने की कहानी। साधना सरगम की पैदाइश 7 मार्च 1969 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दाभोल शहर के एक मराठी परिवार में हुई थी। इनके परिवार में संगीत की परंपरा थी। इनका पूरा नाम साधना पुरुषोत्तम घाणेकर है, जिसे इन्होंने बदलकर साधना सरगम कर लिया था। इनकी मां नीला घाणेकर ने संगीत में मास्टर्स की डिग्री ली थी और खुद एक शास्त्रीय गायिका और संगीत की टीचर थीं। साधना की मां ने इन्हें 4 साल की उम्र से ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। इनके साथ इनका छोटा भाई भी संगीत की तालीम लेता था। छोटी उम्र से ही साधना ने तमाम कार्यक्रमों में प्रस्तुति देनी शुरू कर दी थी। आगे चलकर इनकी मां ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले बड़े संगीतकार रहे वसंत देसाई के पास साधना को सीखने के लिए भेजना शुरू किया। संगीत के साथ ही वसंत देसाई इन्हें डॉक्यूमेंट्री समेत बच्चों की फिल्मों में अभिनय का भी मौका देते थे। महज 6 साल की उम्र में साधना को दूरदर्शन के लिए एक गाना गाने का मौका मिला था, जिसके लिए वो अपने पिता पुरुषोत्तम घाणेकर के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो गई थी। वसंत देसाई की सलाह पर इनकी मां ने 7 साल की उम्र से साधना को प्रख्यात गायक पंडित जसराज के पास संगीत सीखने के लिए भेजना शुरू किया। इस दौरान वो कई छोटे बड़े प्रोग्राम्स में शिरकत भी करती थीं। उम्र करीब 10 साल की हुई तो म्यूजिक अरेंजर अनिल मोहिले ने साधना को संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। दरअसल अनिल मोहिले कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक अरेंजर थे और साधना की माँ को लंबे समय से जानते थे। तब कल्याण जी आनंद जी जीपी सिप्पी की साल 1978 में आई फिल्म तृष्णा का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। साधना का ट्रायल लिया गया तो उन्हें सुनकर कल्याण जी आनंद जी बहुत प्रभावित हुए। इसी के बाद तृष्णा में किशोर कुमार के गाने पम परम पम बोले जीवन की सरगम में साधना से बच्चों के कोरस में गवाया। इसके बाद साधना अक्सर इस संगीतकार जोड़ी के पास जाने लगीं। इनकी आवाज को देखते हुए कल्याण जी आनंद जी को यकीन था कि वो जरूर एक दिन बड़ी सिंगर बनेंगी, इसलिए इन्हें तराशना शुरू किया। साधना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गुजराती फिल्म कंकू पगली से की थी। हिंदी फिल्मों में साधना सरगम को ब्रेक भी कल्याण जी आनंद जी के चलते मिला, जिन्होंने 1982 की फिल्म रुस्तम में इनसे एक गाना गवाया, जिसके बोल थे दूर नहीं रहना। कई वजहों से रुस्तम के बनने में देर हुई और ये 1985 में रिलीज हो सकी। इससे पहले सुभाष घई की फिल्म विधाता 1982 में रिलीज हो गई थी, जिसमें कल्याण जी आनंद जी ने साधना से एक गाना गवाया, जिसके बोल थे सात सहेलियां। इस गाने में किशोर कुमार, अलका याग्निक समेत कई और सिंगर्स की भी आवाजें थीं। अब तक कल्याण जी आनंद जी अपनी फिल्मों में साधना सरगम से कम एक गाना जरूर गवा रहे थे। साल 1983 में 3 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें कल्याण जी आनंद जी ने साधना सरगम से गाने गवाए थे। इन फिल्मों के नाम हैं घुंघरू, नास्तिक और कलाकार। पहली 2 फिल्मों के गाने तो कुछ खास असर नहीं दिखा सके, लेकिन फिल्म कलाकार के एक गाने में कल्याण जी आनंद जी का यकीन सच साबित हुआ और साधना सरगम की आवाज ने वो जादू दिखा दिया जिसकी उनसे उम्मीद थी। इस फिल्म का गाना नीले नीले अंबर पर तब बहुत पसंद किया गया और आज तक इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। श्रीदेवी की एक्टिंग और डांस ने इस गाने में 4 चांद लगा दिए। साधना ने जब इस गाने को अपनी आवाज दी थी तब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। इसके बाद साधना सरगम ने कल्याण जी आनंद जी के ही संगीत निर्देशन में साल 1984 में बंद हाथ, राज तिलक, 1985 में पिघलता आसमान जैसी कुछ फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसके बावजूद कल्याण जी आनंद जी का साधना पर यकीन बिल्कुल कम नहीं हुआ
और वो लगातार अपनी फिल्मों में इनको मौके देते रहे। साल 1986 में आई फिरोज खान की फिल्म जांबाज का संगीत निर्देशन कल्याणजी आनंद जी कर रहे थे। इस फिल्म का एक ऐसा गाना था जिसे 3 बार फिल्माया जाना था, एक मेल वर्जन, एक फीमेल वर्जन और एक डुएट सॉन्ग। इस गाने का फीमेल वर्जन और डुएट साधना सरगम से गवाया गया, जो आज भी बहुत पसंद किया जाता है। इस गाने की कामयाबी ने इन्हें काफी हद तक पहचान दिलाई और साधना सरगम की चर्चा मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री समेत चेन्नई तक होने लगी। शायद यही वजह रही कि कल्याणजी आनंद जी कैंप से बाहर पहली बार इन्हें किसी और संगीतकार ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया, और ये संगीतकार थे राजेश रोशन। साधना सरगम को रोशन ने अपनी 2 फिल्मों काश और खुद गर्ज में गवाया। ये दोनों ही फिल्में 1987 में रिलीज हुई थीं। इसमें मोहम्मद अजीज के साथ खुद गर्ज में गाया उनका डुएट सॉन्ग आपके आ जाने से सुपर डुपर हिट रहा। इसका असर ये हुआ कि साधना सरगम कल्याणजी आनंद जी के बाद एक और संगीतकार यानी राजेश रोशन की सबसे पसंदीदा सिंगर बन चुकी थीं, जिन्होंने 1988 में एक बार फिर उनसे अपनी फिल्म खून भरी मांग के 4 गाने गवाए। इस फिल्म में उनका गाया हंसते हंसते कट जाए रस्ते बहुत पसंद किया गया। अब साधना का करियर ऊंची उड़ान भरने लगा था। अब उनके पास फिल्मों में गाने के ऑफर्स की भरमार थी। 1987 तक जहां एक ओर कल्याणजी आनंद जी के चलते उन्हें 1-2 फिल्मों में ही गाने के मौके मिल रहे थे, वहीं 1988 में इन्होंने करीब 15 फिल्मों में गाने गाए। इसके अलावा इसी साल प्रसारित हुए महाभारत सीरियल में साधना ने कई गीत गाए। साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव में कल्याणजी आनंद जी ने साधना से कई गाने गवाए। इसमें मैं तेरी मोहब्बत में और गजर ने किया है इशारा सुपरहिट रहे थे। अब एक सिंगर के तौर पर साधना सरगम की डिमांड किस कदर थी, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि 1989 में इन्होंने तमाम संगीतकारों के लिए 46 हिंदी फिल्मों में गाने गाए। इस दौरान इन्होंने अनु मलिक, आनंद मिलिंद, राजेश रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उषा खन्ना, आरडी बर्मन के लिए गाने गाए। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने। 90 के दशक के शुरुआती सालों में तमाम फीमेल सिंगर्स के बीच कड़ा मुकाबला था। इस दौरान अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक समेत कई अन्य सिंगर्स बहुत डिमांड में थीं। इन सब के बीच साधना सरगम अपनी बेहतरीन गायकी के चलते बाकी फीमेल सिंगर्स को कड़ी टक्कर दे रही थीं। साल 1992 की फिल्म विश्वात्मा में 7 समंदर पार गाने के बाद साधना सरगम की लोकप्रियता एक अलग मुकाम पर पहुंच गई। इसी साल फिल्म दीवाना में गाए उनके 2 गाने इतने पॉपुलर हुए कि वो हिंदुस्तान के घर घर में मशहूर हो गईं। नब्बे के दशक में साधना सरगम ने करीब 500 फिल्मों में तमाम हिट गाने गाए। इस दौर में शायद ही कोई बड़ा संगीतकार रहा हो जिसके साथ साधना सरगम ने काम ना किया हो। मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद और राजेश रोशन के लिए 90s में इन्होंने अनगिनत हिट गाने दिए। मिसाल के तौर पर फिल्म जो जीता वही सिकंदर का पहला नशा, फिल्म सैनिक का कितनी हसरत है हमें, फिल्म मोहरा का सुबह से लेकर शाम तक, जैसे कुछ गानों का जिक्र किया जा सकता है। अब तक इस गायिका ने अपने दौर की तमाम फीमेल सिंगर्स की नींदें उड़ा दी थीं। इतने ज्यादा हिट गाने और इतनी दिलकश आवाज का ही नतीजा था कि साधना सरगम की तुलना कई दिग्गज सिंगर्स से की जाने लगी। इस चर्चा को लेकर उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब कल्याणजी आनंद जी ने साधना सरगम की तुलना लता मंगेशकर से कर दी। जब ये बात लता जी को पता चली
तो एक नई और कम उम्र की सिंगर से खुद की तुलना किए जाने को उन्होंने अपनी तौहीन समझ ली। बताया जाता है कि इसके बाद लता जी के करीबी रहे कल्याण जी आनंद जी भाई से वो लंबे वक्त तक नाराज रहीं। साउथ की फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर साधना को सबसे पहले दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा ने 1985 में एक तेलुगु फिल्म में मौका दिया, जबकि नियमित तौर पर 90 के दशक के शुरुआत में साधना सरगम की डिमांड साउथ की फिल्मों में गाने के लिए आने लगी थी। इसके बाद तो तमिल, तेलुगु, मलयालम समेत साउथ की अन्य भाषाओं में बनने वाली फिल्मों में भी इनकी आवाज गूंजने लगी। इन भाषाओं में गाए उनके हिट गानों का औसत बहुत अच्छा रहा। अब तक शायद ही साउथ का कोई बड़ा संगीतकार बचा हो जिसके साथ इस सिंगर ने गाने ना गाए हो। में पहली बार यार रहमान ने तमिल की हिंदी में रीमेक फिल्म इंडियन में इनसे एक गाना गवाया था। इसके बाद वो आगे चलकर रहमान की सबसे पसंदीदा सिंगर बन गई। इनके संगीत निर्देशन में साधना ने फिल्म वाटर में आयो रे सखी, पिया हो और नैना नीर जैसे बेहद खूबसूरत गीत गाए, जबकि फिल्म साथिया का चुपके से फिल्म सपने का चंदा रे फिल्म 1947, अर्थ का बन्नो रानी जैसे कई बेहतरीन और हिट गाने गाए। हिंदी फिल्मों में साधना सरगम का करियर साल 2006 तक अच्छा चलता रहा। इसके बाद उन्हें अचानक फिल्में मिलनी कम हो गईं। इसकी एक खास वजह रही, दरअसल अब तक वो साउथ की फिल्मों में इतना व्यस्त हो चुकी थीं कि उनका ज्यादातर समय चेन्नई और बेंगलोर में गुजरता था। इस बीच श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान जैसी कई फीमेल सिंगर्स की बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी थी। हिंदी फिल्मों में गाने के लिए जब साधना सरगम से समय मांगा जाता तो वो तुरंत मुंबई नहीं पहुंच पाती थीं। इसलिए बॉलीवुड के संगीतकारों ने उनसे संपर्क करना कम कर दिया और इस तरह वो साउथ के अलावा रीजनल सिनेमा के संगीत में अपना ज्यादा वक्त देने लगीं और हिंदी फिल्मों से गायब होती चली गईं। हिंदी सिनेमा में आखिरी बार उन्होंने साल 2015 में किसी फिल्म के लिए गाया था। ये गाना इन्होंने कुमार सानू के साथ गाया था जो जबरदस्त हिट रहा। साधना सरगम ऐसी पहली नॉन साउथ इंडियन सिंगर रहीं जिन्हें दक्षिण भारतीय भाषाओं में गाने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। साल 2002 में तमिल भाषा की फिल्म अजहगी के गाने पाट्टू चोली के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जिसका संगीत इलैयाराजा ने तैयार किया था। इसके अलावा 2007 में ही इन्होंने बेस्ट फीमेल सिंगर का दो फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम किया। पहला तमिल फिल्म किरीदम के गाने अक्कम पक्कम के लिए, जबकि दूसरा पुरस्कार तेलुगु फिल्म मुन्ना के गाने मनसा के लिए मिला। साधना सरगम ने 36 इंडियन लैंग्वेजेस में करीब 15,000 फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। इन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, नेपाली समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गीतों को अपनी आवाज दी है। चार दशकों से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली साधना सरगम के बारे में एक बात सबको हैरान करती है। दरअसल इन्होंने करीब 1500 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में करीब 2000 हिंदी गाने गाए हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत शामिल है। इसके बावजूद उन्हें अभी तक हिंदी गानों के लिए ना तो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और ना ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उन्हें केवल 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला था। पहला साल 1989 में फिल्म मांग भरी सिंदूर के गाने में तेरी हूं जानम के लिए, और दूसरा इसके 16 साल बाद 2005 में फिल्म क्यों हो गया ना के एक गाने के लिए। इसकी वजह क्या हो सकती है ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। गॉडफादर के नाम पर इनके पास कल्याण जी आनंद जी थे,
लेकिन 90 के दशक में जब इनका करियर परवान चढ़ा तो वो लगभग रिटायर हो चुके थे। उस दौर में भी गुटबाजी चरम पर थी। अपनी अपनी पसंदीदा सिंगर्स को नेशनल या फिल्म फेयर अवार्ड दिलाने के लिए संगीत के दिग्गज लोग लॉबिंग करते थे, जबकि बहुत कम बोलने वाली और लोगों से कम घुलने मिलने वाली साधना सरगम के पास अगर कुछ था वो उनकी आवाज थी, जिसके दम पर इन्होंने अपना करियर बनाया और बेशुमार शोहरत हासिल की। उन्हें हिंदी गानों के लिए अवार्ड नहीं मिले, इसकी वजह साफ तौर पर कोई भी समझ सकता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिल्मों के अलावा उनके कई गैर फिल्मी एल्बम भी बहुत मशहूर हुए। इन्होंने कई भक्ति एल्बम्स में भी अपनी आवाज दी। साल 2015 में इनका गाया साईं भजन बहुत मशहूर हुआ। YouTube पर अब तक ये 100 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। साई राम, साई श्याम, साई भगवान। बेशुमार शोहरत, पैसा और कामयाबी के बावजूद साधना सरगम ने अभी तक शादी नहीं की है। वजह पूछने पर वो बताती हैं कि संगीत साधना में वो इतना मशगूल रही कि कभी घर बसाने शादी करने जैसा ख्याल उनके मन में आया ही नहीं। तो ये थी साधना सरगम की कहानी। इस पेशकश में आज बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ अब मुझे यानी आरजे अंतरा को दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।